हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज. दिस इज अमनदीप कौर और आज हमारे सीरीज में हमारा 116th लेक्चर है. टॉपिक वन सेक्शन बी को हमने शुरू किया हुआ है. इसमें हम टॉपिक पेपर टू सेक्शन वन को शुरू किया, जिसमें टॉपिक वन हम पढ़ रहे हैं. फर्स्ट टॉपिक अभी हमारा चल रहा है. इसमें हमने दो लेक्चर्स कवर कर लिए हैं. अभी जो है हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी पढ़ लिए थे, प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे. और अभी के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं, उनके अंडर हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, अब ब्रीफ में हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे. जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर कैसी थी वो हमने देखा था. उसके बाद जो है पंडित नेहरू जी के बाद जो है जैसे हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी. पहले जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे लोग इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे. एक तो ये था कि इनकी हाइट भी वो थोड़ी छोटी थी. हाइट छोटी होना चलो बात अलग है, लेकिन इनकी कद छोटे कद की वजह से भी इनको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा. तो इनको जो है जैसे नेहरू जी का कद, नेहरू जी जो थे उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी जैसे, तो इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट उतनी मिलती नहीं थी. तो इस तरह से, लेकिन फिर फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स में इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया. जैसे कि 1965 की जब वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, तब इनकी जो पॉलिसी थी, इन्होंने फोर्सेस का कहा था, हमारी फोर्सेस को कहा था कि LOC क्रॉस कर जाओ, तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था. सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री नेवर डिविएटेड बाय द सेट गोल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. लाल बहादुर शास्त्री सक्सेसफुली लेड द इंडो 1965 इंडो पाक वॉर ड्यूरिंग. उसके बाद इंदिरा गांधी जी आती हैं, तो इनका टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि तशकंत जब में रशिया में जब ये जाते हैं तो इनको इनकी वहाँ एक मिस्टीरियस वे में डेथ हो जाती है. कोई कहता है कि इनको गोली लगी थी, कोई कहता था कि जहर मिलाया था खाने में, तो इसे पता नहीं है कि किस तरह से इनकी डेथ हुई थी. एक मिस्टीरियस वे में इनकी डेथ हो जाती है. तो इसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर जो है कांग्रेस पार्टी को किसी को बनाना था, क्योंकि कोई किसी ना किसी को तो तब प्राइम मिनिस्टर बनाना था. तब उन्होंने जो पार्टी के जो वेटरन लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, कि इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, क्योंकि जैसे लोग जवाहरलाल नेहरू जी को पसंद करते थे वैसे ही उनकी बेटी को पसंद करेंगे. किसी और को बनाने की बजाय हम जो है उनकी बेटी को बना देते हैं, ताकि जो है लोग उनको वैसे ही प्यार देंगे जैसे वो जवाहरलाल नेहरू जी को देते थे, और हमारी जो पार्टी है वो बनी रहेगी. नहीं तो क्या हो सकता है कि दूसरी पार्टी जो हमें टक्कर देने के लिए खड़ी है उनसे हम हार सकते हैं. सो इंदिरा गांधी जी की का जब टाइम था, शुरू शुरू में इनको जो है एक पपेट की तरह यूज करना चाहते थे वेटरन लीडर्स थे जो, लेकिन इन्होंने फिर अपना पर्सनालिटी को उभारा और थोड़ा इन्होंने भी काफी फॉरेन पॉलिसी में अच्छा काम किया. इन्होंने ही बांग्लादेश की को बनाने में हेल्प की थी. इन्होंने ही बांग्लादेश को एक तरह से कह सकते हैं कि बनाया था. उसके बाद इनकी जो रिजीम थी, द टिल्ट ऑफ इंडियन इंडिया टुवर्ड्स सोवियत यूनियन बिकम मोर एंड मोर क्लियर एज इंदिरा गांधी कंक्लूडेड अ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप ट्रीटी विद USSR. तो USSR के साथ जो हमने लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी वो 1971 में, तब इंदिरा गांधी जी का ही रूल था, इन्हीं के रूल के अंडर हमने वो ट्रीटी साइन की थी. तो इनका जो झुकाव था वो USSR की तरफ देखने को मिला. रोल ऑफ इंदिरा गांधी इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इज मेमोरेबल इन मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. उसके बाद है शॉर्ट लिव्ड जो जनता गवर्नमेंट थी 1977 में, जो फर्स्ट टाइम इंडियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी वो जनता पार्टी थी. थोड़े ही टाइम की ये गवर्नमेंट थी. मुरारजी देसाई इसके तब प्राइम मिनिस्टर थे. मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन विद टू सुपर पावर्स विदाउट एनी बायस. तो इन्होंने क्या किया, जो दो सुपर पावर्स थे दोनों के साथ ही अच्छे रिलेशन रखे. किसी के पास साथ ऐसा नहीं, किसी के साथ ज़्यादा किसी के साथ कम, दोनों के साथ ही रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश की ड्यूरिंग इंदिरा गांधी सेकेंड टर्म. फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे दोबारा से इंदिरा गांधी फिर से आ जाती हैं 1980 में, आई थिंक 80 to 84 दोबारा से, दोबारा जैसे जनता गवर्नमेंट गिरती है दोबारा से फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आती है. फिर क्या होता है, ड्यूरिंग इंदिरा गांधी सेकेंड टर्म शी चेयर्ड नैम समिट एंड मेड एफर्ट्स फॉर फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ मूवमेंट. तो उन्होंने कोशिश की कि जो नैम मूवमेंट है, नॉन अलाइन मूवमेंट है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उस तरफ एफर्ट्स किए. उसके बाद जब इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, तो उसके बाद से
अब क्या था कि लोगों में इंदिरा गांधी जी का जो रिस्पेक्ट थी इंदिरा गांधी जी के लिए वो काफी ज्यादा थी। तो अब क्या किया गया कि कांग्रेस पार्टी के जो पार्टी के मेंबर्स थे उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी जी के जो बड़े बेटे हैं राजीव गांधी जी थे उनको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं कि लोगों से एक्सेप्टेंस ज्यादा मिलेगी। तो जो राजीव गांधी थे वो एक पायलट थे, पॉलिटिक्स से कोई इनका लेना देना नहीं था, तो इनको पॉलिटिक्स में लाया गया था। ड्यूरिंग राजीव गांधीज प्राइम मिनिस्टरशिप द साउथ एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू बींग 1985 में, जो सारक बना था, सारक ऑर्गेनाइजेशन इनके टाइम पीरियड में ही बनी थी। उसके बाद है राजीव गांधी स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट कॉर्डियल रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज इज क्रूशियल फॉर इंडिया टू प्ले इफेक्टिव रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इन्होंने ऐसे रियलाइज किया कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि उससे पहले हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं थे, तो ऐसे जरूरी है कि इनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए जाएं। बिसाइड्स राजीव गांधी ऑल्सो शोन इंटरेस्ट टू डेवलप रिलेशंस विद बोथ सुपर पावर्स एज वेल एज चाइना। तो राजीव गांधी जी के टाइम पे हर बड़े पावर के साथ और नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस को सुधारने की कोशिश की गई। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया अंडर पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव की जब प्राइम मिनिस्टरशिप थी तब क्या हुआ था, न्यू इकोनॉमिक, तब जो बड़े बड़े जैसे इकोनॉमिक इश्यूज आ गए थे, फिर इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, तो ये इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर हुआ। उसके बाद अनदर शॉर्ट लिव्ड यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट हेडेड बाय एच डी देवगौड़ा कंटिन्यूड इज प्रीडिसेसर्स फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव। जो फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे शुरू किए गए थे, जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमने इंटीग्रेशन शुरू की थी, तो उन्हीं जो पॉलिसीज थी उन्हीं को कंटिन्यू किया गया। उसके बाद आती है एनडीए गवर्नमेंट हेडेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी मेड रेंटलेस एफर्ट टू इम्प्रूव रिलेशंस विद नेबरिंग नेबर्स एज वेल एज अदर मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मनमोहन सिंह इंडिया एंटर्ड इनटू सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन क्या है, हम जब यूएसए को डिस्कस करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो एग्रीमेंट था वो क्या था। अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, आपने पहले पढ़ा है तो सही बात है, क्योंकि अभी ज़्यादा ये न्यूज़ में नहीं आता सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अब से 2-3 साल पहले ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, क्योंकि इसमें जो कुछ क्लॉसेस थे उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे, तो तब ये ज़्यादा न्यूज़ में था, अब ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है, तो हो सकता है आप लोग आपने सुना ना हो। सो अगर नहीं सुना है तो इसके बारे में जब इंडिया यूएसए रिलेशंस को डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। उसके बाद है इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं वो सारे नेशंस इंस्टीट्यूशंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन है वो है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट और फॉरेन पॉलिसी। पार्लियामेंट का जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि पार्लियामेंट का जो है कोई खास बड़ा रोल नहीं है, पार्लियामेंट में इश्यूज जो है जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे काफ़ी डिस्कस किए जाते थे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, लेकिन अब जो है उतने इश्यूज जो है वो डिस्कस तो नहीं किए जाते हैं। और पार्लियामेंट का जैसे कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट्स होते हैं, जितने भी फॉरेन पॉलिसी है वो जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पीएमओ में ही बनती है, तो पार्लियामेंट का ज़्यादा लेना देना नहीं है। इसके जैसे इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स होते हैं, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स वाज एविडेंट व्हेन इन 1949 द प्राइम मिनिस्टर मूव्ड द रेजोल्यूशन फॉर कंटिन्यूड मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ डिस्पाइट कंसीडरेबल क्रिटिसिज्म फ्रॉम विद इन द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस रीइंफोर्स्ड द पॉपुलरली हेल्ड व्यू दैट नेहरू वॉज ओनली लाइटली चेक्ड बाई डोमेस्टिक फोर्सेज। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब 1949 में इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने रेजोल्यूशन जो है मूव किया था पार्लियामेंट में कि हमें जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर रहना है, तब उन्हें थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, लेकिन फिर भी उनकी जो है पॉपुलैरिटी जो पॉपुलैरिटी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि फिर भी वो रेजोल्यूशन को उन्होंने पास करवा लिया था। उसके बाद डीलिंग विद नेबर्स डोमेस्टिक प्रेशर वॉज ऑल्सो एविडेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू इंटरनेशनल अलायंसेस फोर्ज्ड इन इंडियाज नेबरहुड, जैसे कि पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या है कि इन 1954 फॉलोइंग प्रेसिडेंट ईसन हावर्स डिसीजन टू एंटर इन टू म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान,
Nehru's government found itself pressurized within India from both the right and left. The central aim of the opposition led by CPI was to make sure that government aid did not. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें देखने को मिला जब नेहरू जी का टाइम था कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अलाइंसेस हो रहे थे हमारे नेबरहुड में हो रहे थे, तो हमें भी डोमेस्टिक प्रेशर जो है देखने को मिला. डोमेस्टिक प्रेशर वाज आल्सो एविडेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू इंटरनेशनल अलाइंसेस फोर्स्ड इन इंडियाज नेबरहुड. तो पाकिस्तान में क्या था कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट ईसन हावर थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट किया था, तो इंडिया में भी ऐसा प्रेशर देखने को मिला था कि कहीं इंडिया की गवर्नमेंट भी यूएसए के साथ वैसा एग्रीमेंट साइन ना करे. उसके बाद इन द एंड व्हाट इज क्लियर इज दैट द प्राइम मिनिस्टर वाज पुश्ड इनटू मेकिंग शार्पर स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द पैक्ट एंड अमेरिका मोर जनरली. वंस अगेन द एफिकेसी ऑफ द ऑपोजिशन इवन इन मिनिमल नंबर वाज टेलिंग. सो क्या था कि फिर प्राइम मिनिस्टर को भी जो है काफी मतलब शार्प स्टेटमेंट्स देने पड़े जो अमेरिका ने जो पाकिस्तान के साथ जो पैक्ट साइन किया था. उसके बाद है चाइना. द फीडबैक लूप बिटवीन ऑपोजिशन डिमांड्स इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम विद इन द कांग्रेस एंड गवर्नमेंट्स अप्रोच इज एविडेंट इन द टू इंस्टेंसेज. कौन से इंस्टेंसेज हैं, जैसे स्वैपिंग टेरिटरीज वाइल द लेजिस्लेचर हैज लिटल लीगल अथॉरिटी इन फॉरेन पॉलिसी. चेंजिंग टेरिटोरियल बॉर्डर्स रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल. अब सिंपल सी बात है, क्या होता है कि वैसे फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स में जो हमारी लेजिस्लेचर है उसको ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती बोलने की, लेकिन फिर भी अगर हमने जो है टेरिटोरियल बॉर्डर्स के साथ कुछ करना है, जैसे टेरिटरीज को लैंड स्वैप करना है किसी के साथ, किसी कंट्री के साथ, तो पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है. सेकंड जो है, पार्लियामेंट्री प्रेशर वाज नोटिसेबल इमीडिएटली आफ्टर द वॉर ऑफ जो जब हमारी चाइना के साथ 1962 में वॉर हुई थी, उसके बाद पार्लियामेंट का प्रेशर जो था वो देखने को मिला. इन एक्सचेंज फॉर वेस्टर्न आर्म्स एंड मिलिट्री असिस्टेंस बोथ द ब्रिटिश एंड अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पुश्ड नेहरू टू एंटर इनटू नेगोशिएशंस विद कश्मीर विद पाकिस्तान ऑन कश्मीर. तो हमने क्या था, थोड़े बहुत आर्म्स हमें, क्योंकि तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई आर्म्स नहीं थे, तो हमने जो है ब्रिटेन अमेरिका से लिए थे. तो वो क्या करते थे, साथ में कंडीशंस अटैच करते थे कि आप जो है पाकिस्तान का जो मैटर है उसको सॉल्व करो, नेगोशिएशंस विद आपका जो कश्मीर का मैटर है पाकिस्तान को इन्वॉल्व करो, उनके साथ सॉल्व करो. हाउएवर एनी कंसेशंस रिमेन्ड आउट ऑफ क्वेश्चन ड्यू टू ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट. अब सिंपल सी बात है, पाकिस्तान के साथ हम क्यों बात कुछ करें, तो वहाँ पे पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन इस बात को लेके देखने को मिला, लेड बाय वाजपेयी हु इवन वॉन्ड यूएसए एंड यूके अगेंस्ट इंटरफेयरिंग इन कश्मीर इशू. लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जो वाजपेयी थे तो उन्होंने क्या किया, यूके और यूएसए को वॉर्न किया था कि जो हमारा इशू है ये हमारा बायलैटरल इशू है पाकिस्तान के साथ, आप इसमें इंटरफेयर मत करो, जो कश्मीर वाला इशू है. उसके बाद है ऑल्सो फॉर द मोस्ट पार्ट स्कॉलर्स एंड एनालिस्ट हैव फोकस्ड ऑन व्हाट दे डीम टू चाइनाज अनविलिंगनेस टू कंक्लूड अ बॉर्डर एग्रीमेंट विद इंडिया. इन फैक्ट व्हाट फ्यू हैव कंसीडर इज द शीयर डिफिकल्टी इन रेटिफाइंग सच एन एग्रीमेंट विद इन इंडिया. चाइना का इंडिया के साथ जो बॉर्डर एग्रीमेंट था वो नहीं हो पाया था, उसके वजह से भी यही था कि इंडिया के अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर सहन करना, बहुत प्रेशर था इंडिया के अंदर कि हम कहीं पे भी किसी भी बेस पे चाइना के सामने ना झुके. उसके बाद एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स लेजिस्लेचर चेक वाज आल्सो एक्सरसाइज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स. जैसे कि हमने बांग्लादेश के साथ एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था जिसमें हमने कुछ एनक्लेव्स थे जो बॉर्डर एरियाज पे हमने अपने वाले उनको दिए थे, उनके हमने लिए थे, तो ऐसे कुछ करना पड़ा था तब वहाँ पे भी उस पे लेजिस्लेचर का जो रेटिफिकेशन चाहिए होता है which merely reflected formalizing lines and boundary accepted by Redcliffe Award but which could not be implemented in tab wo 1947 mein implement nahi ho paya tha because of the hastened way in which Bengal was partitioned. to tab hona tha lekin uske baad se ho nahi paya lekin ab ja ke kahin hua tha.
उसके बाद टू डू सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस आउटलाइंड इन आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वुड अकॉर्डिंग टू द बेंच बी नेसेसरी एंड नीडेड टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा. अब हमारे यहाँ जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है उसके साथ इसको पास किया जाना था, लेकिन यहाँ पे फिर वो पास नहीं हो पाया था. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन 2013 टू गिव इफेक्ट टू गांधी मजीबुर डील रिगार्डिंग द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट वॉज अल्टीमेटली पास इन 2015. तो 2013 में पहले इस बिल को लाया गया तब पास नहीं हुआ, फिर जाके 2015 में कहीं पास हुआ था. इन सच केसेस द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरन पॉलिसी इज ऑल टू एविडेंट. तो हमने जो अभी डिस्कस किए हैं ये वाले एग्जाम्पल्स, यहाँ से पता चलता है कि पार्लियामेंट का रोल चाहे बहुत बड़ा ना हो लेकिन फिर भी पार्लियामेंट को कुछ ना कुछ रोल तो मिलता है फॉरन पॉलिसी मैटर्स में. जैसे ज़्यादातर उनको मिलता है जो जितने भी लॉज वगैरह अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे है उसकी रेटिफिकेशन जो है पार्लियामेंट से करवाना ज़रूरी है, तो वैसे वहाँ पे पार्लियामेंट का रोल होता है. उसके बाद है सिविल न्यूक्लियर डील. तो यहाँ पे सिविल न्यूक्लियर डील जो इंडिया और यूएसए के बीच हुई थी, वैसे इसको डिटेल में तो हम इंडिया एंड यूएसए के जब रिलेशंस को पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल सी बात है अगर थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊँ तो सिविल न्यूक्लियर डील ये थी कि इंडिया जो है इसने जैसे 5 बड़े पावर्स थे P5 के जो नेशन है उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे. इंडिया को क्या था कि न्यूक्लियर वेपन्स न्यूक्लियर पावर तब इंडिया नहीं था. तब उन्होंने क्या किया था, बड़े पावर्स ने 5 NPT ट्रीटी लाई थी, नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी, ताकि जो उनके अंडर क्या था कि जिनके पास ऑलरेडी वेपन्स है उन्होंने टेस्ट कर रखे हैं वो रख लेंगे, बाकी जो न्यू नेशन है वो जो है वेपन्स को न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं टेस्ट करेंगे. लेकिन जो वो जो है 1968 में हुई थी एनपीटी, लेकिन इंडिया ने 1974 में क्या किया था कि न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया था. तो क्या हुआ था कि बड़े जो कंट्रीज थे जैसे यूएसए है, बड़े कंट्रीज ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे. फिर उसके बाद जो है इंडिया ने फिर से एक टेस्ट किया था 1998 में, फिर से सैंक्शन लगे थे, लेकिन फिर यूएसए का स्टैंड हमारी तरफ चेंज होना शुरू हुआ क्योंकि चाइना जो है एक बड़ी पावर बन रहा था एशिया में, उसको बैलेंस करना ज़रूरी था, उसको उस टाइम पे सिर्फ इंडिया बैलेंस कर सकता था, इसीलिए यूएसए का रवैया जो था वो इंडिया की तरफ थोड़ा चेंज हुआ. तो इंडिया और जो है इतने सालों में हमारा ऐसा रिकॉर्ड रहा था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होने की बजाय न्यूक्लियर वेपन्स होने के बावजूद भी हमने उन न्यूक्लियर वेपन्स को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी नेशन के ऊपर अटैक नहीं किया. हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड था बहुत अच्छा रहा था, इसीलिए सिविल न्यूक्लियर डील यूएसए ने इंडिया के साथ 2008 में की थी. और इस डील के अंडर ये था कि वो हमें जो है न्यूक्लियर मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, वो सिर्फ ऐसे होगा सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगते हैं. तो ये कहा गया था इस एग्रीमेंट के अंडर कि यूएसए जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो मटेरियल चाहिए होगा उसको प्रोवाइड इंडिया को इस डील के अंडर करेगा. सो पार्लियामेंट कन्फ्रंटेशन अफेक्टिंग फॉरन पॉलिसी आउटकम्स अक्कर प्रिंसिपली अंडर कोलिशन और माइनॉरिटी गवर्नमेंट. तो क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने तो ये मान लिया था, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन जो है आम लोग थे वो इस एग्रीमेंट के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे. दिस ऑलमोस्ट हैपन्ड इन 2008 व्हेन 4 एंटी यूएसए लेफ्ट फ्रंट पार्टी थ्रेटन टू विदड्रॉ देयर सपोर्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड INC लेड कोलिशन गवर्नमेंट. अब क्या हुआ था कि तब मनमोहन सिंह की जो कांग्रेस वाली पार्टी थी वो कोलिशन पार्टी थी, मेजॉरिटी में तो वो लोग थे नहीं. तो अब क्या हुआ था कि इनकी जो है जो कोलिशन में थे उसमें 4 पार्टीज ऐसे थे जो एंटी यूएसए थे, यूएसए को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. अब अगर प्राइम मिनिस्टर जो है यूएसए के साथ डील करते हैं तो उन्होंने कहा था कि हम अपना सपोर्ट जो है इस पार्टी से वापस ले लेंगे. तो इस तरह से उनको थ्रेटन किया था प्राइम मिनिस्टर को कि ये डील नहीं होनी चाहिए यूएसए के साथ, क्योंकि कुछ पार्टीज इंडिया में हैं जो यूएसएसआर को सपोर्ट करते हैं, कुछ यूएसए को करती हैं. दिस एपिसोड इलुस्ट्रेट्स हाउ अ फॉरेन पॉलिसी नेगोशिएशंस कैन लीड टू हाई स्टेक पार्लियामेंट्री पॉलिसीज विच इवन लेड अ मेजर अपोजिशन ग्रुपिंग हेडेड बाय बीजेपी टू डिमांड अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किस तरह से जो हमारी पार्टीज हैं वो भी फॉरेन पॉलिसी में किस तरह से अपना रोल प्ले करती हैं. हाउएवर इट वॉज सेव्ड सिंस बीजेपी सजेशन वॉज एम्बिग्यूस फ्रॉम द स्टार्ट. इन ए सेंस वॉट द डिबेट्स अराउंड द न्यूक्लियर डील डेमोन्स्ट्रेटेड वॉज that opposition demands also need a legitimacy of their own.
उसके बाद है लेटर दो वाइल पासिंग द न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल द ऑपोजिशन व्यू हैड अ लॉट मोर मेरिट एंड प्लेड अ की रोल इन पुशिंग द गवर्नमेंट टू इंक्लूड क्लॉसेस. अब क्या हुआ था कि ये सिविल न्यूक्लियर वाला एग्रीमेंट तो साइन हो गया था, ये तो डील थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट को मजबूर होके एक ऐसा लॉ बनाना पड़ा था, न्यूक्लियर लाइबिलिटीज एक्ट बनाना पड़ा था, पास करना पड़ा था, जिसमें ये था कि कुछ क्लॉसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे सेक्शन 17B एंड 46 दैट इंश्योर्ड लीगल एक्शन कुड बी टेकन अगेंस्ट सप्लायर्स इन द इवेंट ऑफ एन एक्शन कॉज्ड बाय माल फंक्शनिंग इक्विपमेंट. अब अगर अब क्या है कि इन्होंने डील साइन तो कर ली, लेकिन फिर भी लोगों का जो बाकी पार्टीज का जो काफी प्रेशर रहा था उसकी वजह से पार्लियामेंट में ऐसा एक बिल पास करना पड़ा, न्यूक्लियर लाइबिलिटीज बिल को पास करना पड़ा था, जिसमें ऐसे सेक्शंस को रखा गया कि अगर जो हमारा जो हमें मटेरियल प्रोवाइड कराएगा जो सप्लायर होगा, अगर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कोई भी माल फंक्शनिंग होती है तो वो जो है फिर क्या करेगा, उनके ऊपर ऐसा इल्जाम जाएगा. तो ऐसा करके हमने लॉ था पास करना पड़ा था. उसके बाद है इन दिस केस द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एंड रोल ऑफ स्टैंडिंग कमिटी वर आल्सो क्लियर. द प्रेजेंट मिलियो इज सेड टू बी वन ऑफ विच अ शिफ्ट इज अंडरवे फ्रॉम व्हाट कमेंटेटर्स कॉल सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर्ग्यूएबली विजिबल ड्यूरिंग द सिंगल पार्टी रूल ऑफ कांग्रेस टू अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशंस. तो अब क्या है कि देखने को मिल रहा है कि एक टाइम पे जैसे एक सिंगल पार्टी का रूल होता था, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन हुई, बाद जो कोलिशन गवर्नमेंट्स हुई, तब देखने को मिला कि पार्लियामेंट का रोल, जो बाकी पार्टीज हैं उन्होंने भी अपना फॉरेन पॉलिसी में रोल दिखाया. उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ये सेकेंड इंस्टीट्यूशन है फॉरेन पॉलिसी में जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. सो ये अब के टाइम में जो है पहले भी काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जिसको पीएमओ कहते हैं. सो पीएमओ जो है यहाँ पे फॉरेन पॉलिसीज बनते हैं प्राइम मिनिस्टर के अंडर. इट इज वेल नोन दैट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बिकेम कैबिनेट गवर्नमेंट एंड ग्रेजुअली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट हैज इंक्रीजिंगली बिकम प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट. अब क्या है कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स होती हैं, कहने को पार्लियामेंट्री होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा अच्छे जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट में लिए जाते हैं. और अब क्या है कि अब तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो प्राइम मिनिस्टर्स गवर्नमेंट बनती जा रही है. क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. सिंस देन प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस. प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है प्लेज अ मेजर रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन इंक्लूडिंग फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग. सो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग जो है वहाँ पे पीएमओ का बहुत बड़ा रोल होता है. हाउएवर पावरफुल अ पीएम इज ही शी कैन नॉट डिसाइड एवरी इशू रिलेटिंग टू द फॉरेन पॉलिसी. सो जितना भी स्ट्रॉन्ग पीएमओ वो अकेले से कुछ नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है कि जो भी पॉलिसी है वो खुद अकेला बनाएगा. नेचुरली ओनली सच इश्यूज विच अ पीएम थिंक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी गोल्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दैट इज वाइटल टू पार्टी स्टैंडिंग इन द कंट्री एंड हिज ओन पावर प्रेस्टिज वुड बी डिसाइडेड इन पीएम्स ऑफिस. तो कहने का मतलब है कि पीएम की जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी पीएमओ के अंडर बनती है, लेकिन हर एक मैटर जो है पीएम खुद डिसाइड नहीं कर सकता है. उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे फैक्टर्स हैं, जैसे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरी है, फॉरेन पॉलिसी गोल्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसकी पीएम की खुद की पार्टी को कोई नुकसान ना पहुंचे, ऐसे जो डिसीजंस लेने हैं इस बातों से रिलेटेड वो अपनी राय दे सकते हैं. बाकी जो है बाकी जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड काम है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में ही होता है. इन एडिशन प्राइम मिनिस्टर कैन अपॉइंट इन्वॉयज ऑन पर्टिकुलर इश्यूज और रीजन्स फॉर इम्पोर्टेंस. तो इसमें प्राइम मिनिस्टर ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कोई रीजन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे उसके लिए स्पेशल इन्वॉयज को अपॉइंट कर सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल इन रीसेंट ईयर्स देयर हैव बीन स्पेशल इन्वॉयज फॉर क्लाइमेट चेंज नेगोसिएशंस. जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट मैटर है क्लाइमेट चेंज नेगोसिएशंस, अब भी फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है. फॉरेन पॉलिसी नेगोशिएशंस में क्लाइमेट चेंज टॉक्स को इन्वॉल्व किया जाता है. इवन जो बायलैटरल टॉक्स होती हैं कंट्रीज की, वहां पे भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो है इश्यूज को डिस्कस किया जाता है कि टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज क्या क्या करना चाहिए. वो सारे इश्यूज को है फॉरेन जो बायलैटरल रिलेशंस है कंट्रीज के वहां पे भी देखने को मिलता है. उसके बाद है जैसे इंडो यूएस न्यूक्लियर टॉक्स,
पाकिस्तान अफगानिस्तान इशू एज वेल एज नॉन प्रोलिफरेशन डिसआर्ममेंट, तो ऐसे इश्यूज जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके लिए प्राइम मिनिस्टर चाहे तो स्पेशल इन्वॉयज जो होते हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं। इन पास्ट इंदिरा गांधी यूज्ड एन इनवॉय टू कंक्लूड डिस्कशन ऑन इंडिया सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी, तो इंडिया सोवियत की जो फ्रेंडशिप स्पेशल फ्रेंडशिप ट्रीटी थी इसको कंक्लूड करने के लिए भी स्पेशल इन्वॉयज को अपॉइंट किया गया था। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर से लीडरशिप इन फॉरेन पॉलिसी। द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैज़ वेरीड ओवर टाइम विद द पावर इंटरेस्ट एंड द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड फॉरेन सेक्रेटरी। फॉर एग्जाम्पल, सम हैव आइडेंटिफाइड द इरा ऑफ इंदिरा गांधी एज वन ऑफ द मूवमेंट अवे फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू PMO। तो क्या है कि डिपेंड करता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उसकी अपनी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि वो फॉरन पॉलिसी मैटर्स में अपना कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं। जैसे कि अब के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो फॉरन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी का जो टाइम था वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से जो फॉरेन पॉलिसी के ज्यादा बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे वो PMO में लिए जाने लगे थे। बिकॉज ऑफ सच अ कंसंट्रेटेड पावर बेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एक्टर्स कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड विद रिगार्ड टू फॉरन पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। मेजर पॉलिसी इनिशियटिव हैव फ्रीक्वेंटली कम फ्रॉम अ लीडर्स पोलिटिकल कैपिटल एंड रिटोरिक सच एज, जैसे कि गुजराल का था, जो हमारे गुजराल एक टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। गुजराल्स 1990s रीडेफिनेशन ऑफ इंडियाज रिलेशंस विद हर नेबर्स, जो आई के गुजराल का था। उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे पंचशील प्रिंसिपल्स हैं, तो उन्होंने इन पंचशील प्रिंसिपल्स को इंडिया के जो नेबर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा था। तो इन्होंने अपना एक अलग से डॉक्ट्रिन दिया था, इनका अलग डॉक्ट्रिन था कि नेबर्स के साथ हमें पीसफुली रिलेशंस किस तरह से इस्टेब्लिश करने हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह से एम्फोसिस ऑन बैलेंस्ड मल्टीपोलर एशिया एंड इंडिया बींग अ रिस्पॉन्सिबल ग्रेट पावर। तो मनमोहन सिंह का जैसे ड्रीम था कि इंडिया जो है मल्टीपोलर एशिया, इंडिया इन्होंने जो फोकस किया था, इनका जो फोकस है एम्फोसिस था ऑन बैलेंस्ड मल्टीपोलर एशिया, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, चाइना का राइज हो रहा था। अब चाइना का जो इतना राइज हो रहा था उसको रोकने के लिए दूसरे पावर्स भी चाहिए थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि एशिया जो है मल्टीपोलर होना चाहिए, एक ही पोल वहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद है इंदिरा गांधी डेवलपमेंट ऑफ क्लोज रिलेशन विद USSR, नरसिम्हा राव स्ट्रेटेजिक वेपन्स प्रोग्राम, वाजपेयी एम्फसिस अपॉन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद है के सुब्रमण्यम हैड नोटेड इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज अ लीडरशिप फंक्शन एंड मोर ऑफन देन नॉट डज नॉट कमांड अ कंसेंसस। तो इनका कहना है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से ही एक लीडरशिप फंक्शन है, कि जो भी लीडर रहते हैं उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वो उनकी पर्सनालिटी उनकी फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। फर्दर मोर एनी सच इनिशिएटिव्स ओनली बिकम पॉलिसी इफ दे आर सक्सेसफुल एंड इफ दे सूटेबल मैरी टुगेदर इंडियाज अंडरलाइंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट विद द ओवरराइडिंग जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट। सो ऐसी ही पॉलिसी बनाएंगे जिसमें जो वही पॉलिसी सूटेबल होती है इंडिया के लिए, जहाँ पे इंडिया की सिक्योरिटी इंटरेस्ट, उनके जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट, हर चीज को ध्यान में रख के बनाया जाए। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ PMO। PMO के अंडर क्या क्या आता है, PMO में आता है, PMO इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डेप्यूटी सेक्रेटरीज, OSDs एंड अदर ऑफिशियल्स, ईच डीलिंग विद डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ प्राइम मिनिस्ट्रियल फंक्शनिंग। जैसे कि ये वाला चार्ट है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बीच में है ऑफिस PMO, और कहाँ कहाँ से इनपुट्स लेते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कैबिनेट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये सारी मिनिस्ट्री से इनपुट जाती है PMO में, तब जाके को हमारी फॉरेन पॉलिसी बनती है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में हमें जो है इंश्योर करना होता है कि हमारी जो है देश की सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंस, सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, कि हमें जो है कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिससे हमारी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाए। उसके बाद है जैसे कि कॉमर्स को प्रमोट करना है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस को अच्छे रखना है, होम अफेयर से ऐसे करके, इसीलिए हमें इतनी ज़्यादा मिनिस्ट्री से इनपुट लेनी पड़ती है। उसके बाद है इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी,
But there have been more recent instances of principal secretaries being involved in foreign policy formulation as well. For example, जैसे ब्रजेश मिश्रा प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो अभी देखने को ऐसा मिला है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं इनको भी लिया जाता है फॉरेन पॉलिसी में, काफी इन्वॉल्व किया जाता है. वाजपेयी के टाइम पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ब्रजेश मिश्रा थे, एज कंसीडर्ड बाय सम टू हैव इसेंशियली फंक्शनड एज नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इवन बिफोर टुक ऑन दैट रोल फॉर्मली. He not only discussed a wide range of foreign policy issues but also made public policy pronouncements on several occasions. उन्होंने काफी time पे जो है discuss किए थे foreign policy issues. He had also hinted at important foreign policy decision on visits to other countries. This also provoked media reaction that national security advisor is overshadowing the Ministry of External Affairs. अब क्या हो रहा था कि जैसे जो national security advisor है, अगर वो बार बार media में statements देंगे फॉरेन पॉलिसी के बारे में, गोल्स के बारे में ज्यादा कहेंगे, तो ऐसा कहा जाने लगा था कि शायद जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल है उसको शेडो कर लिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने. उसके बाद कंक्लूजन है, फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया इज करेंटली मेड बाय अ सेलेक्ट फ्यू थ्रू द डोमिनेंट पावर बेस ऑफ पीएमपी, तो नहीं यहां पे पीएमओ आएगा, PMO and the prevailing influence of the Prime Minister, especially over institutions such as Ministry of External Affairs. तो अब ये ministries के ऊपर Prime Minister का जो influence देखने को मिलता है. At the same time, the scope of foreign policy making influences is undoubtedly broadening as India's expanding international interaction demands the involvement of more डिस्पैरिट वॉइसेज एंड ओपिनियंस. तो यहाँ पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिमांड करती है कि अलग अलग टाइप से व्यूज आए, सबको कंसिडर किया जाए. देयरफॉर व्हाइल द प्रोसेस मे नॉट बी फुली ट्रांसपेरेंट, वी कैन नो लॉन्गर कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी टू बी डोमिनेटेड बाई एनी वन इंडिविजुअल लीडर और इंडीड एनी सिंगल पोलिटिकल पार्टी. तो ऐसा कभी कोई नहीं चाहेगा कि कोई एक सिंगल पोलिटिकल पार्टी या फिर एक सिंगल लीडर जो है डोमिनेट करें. ऐसा जरूरी है कि जो डिस्पैरेट व्यूज हैं, अलग अलग व्यूज को, ओपिनियंस को कंसीडर किया जाए, तब जाके फॉरेन पॉलिसी ऐसी फॉरेन पॉलिसी बने जहां पे बहुत अलग अलग व्यूज को लिया जाए. उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या रोल है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज द प्रिंसिपल गवर्नमेंटल इंस्ट्रूमेंट फॉर द फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी. सो फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना, ये सबसे पहला काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है. क्योंकि इसको इसीलिए बनाया गया है कि फॉरेन कंट्रीज के साथ हमें हमारे रिलेशंस कैसे रखने हैं. इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इंटेलिजेंट एक्यूरेट आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट आर सपोज टू बी स्टोर हाउस of expert knowledge on foreign affairs. So, जितने भी accurate intelligent information है सब यहाँ पे होती है, सब जो है इसी का काम है जुटाना, क्योंकि इसी को foreign policy बनानी होती है. यहीं पे आके जो nitty-gritties होती हैं foreign policies की, वो यहीं पे सब होता है. Structural composition इसकी क्या है? Foreign secretary जो होता है, foreign secretary is the senior most bureaucrat in the ministry, responsible for overall supervision and coordination. सो उसके बाद जो इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिशियल्स होते हैं सिलेक्टेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे यूपीएससी में फर्स्ट आईएएस होता है, आईपीएस होता है, फिर उसके एक जो है इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी होती हैं. तो फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं प्राइमरली मैन द, तो यही होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में होते हैं. द फॉरेन सेक्रेटरी इज अ वेरी सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर होता है एंड द परमानेंट हेड भी होता है मिनिस्ट्री का. ही इज एन इम्पॉर्टेंट एडवाइजर टू फॉरेन मिनिस्टर. देर आर टू अदर सीनियर ऑफिशियल्स टू असिस्ट द फॉरेन सेक्रेटरी नोन एज फॉरेन सेक्रेटरी वेस्ट एंड फॉरेन सेक्रेटरी ईस्ट. दीज ऑफिशियल्स नॉर्मली आर वेरी सीनियर पर्सन. तो ये सेक्रेटरीज जो होते हैं ये काफी सीनियर पर्सन होते हैं चोजन टू हेड द वर्क इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. देर आर थ्री एडिशनल सेक्रेटरीज टू असिस्ट फॉरेन सेक्रेटरी. तो जो फॉरेन सेक्रेटरी होता है उसको असिस्ट करने के लिए तीन और सेक्रेटरी होते हैं एडिशनल सेक्रेटरीज. द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का काम है 24 डिविजन्स में डिवाइडेड होता है. ज्वाइंट सेक्रेटरी हेड्स ईच डिविजन. सो जितने भी डिविजन है उसका एक एक हेड जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, 24 डिविजन्स है. तो
24 ही ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे. देर आर 12 टेरिटोरियल डिविजन्स डीलिंग विद अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज बिलोंगिंग टू अ लिमिटेड रीजन लाइक कैनेडा एंड अमेरिका. तो ऐसे कुछ कुछ रीजन्स के साथ डील करने के लिए टेरिटोरियल डिविजन्स भी होते हैं, जैसे लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, गल्फ, ईस्ट एशिया एक्सेट्रा. देर आर 11 फंक्शनल डिविजन्स होते हैं, जैसे प्रोटोकॉल, एक्सटर्नल पब्लिसिटी, हिस्टोरिकल, पॉलिसी प्लानिंग, यूनाइटेड नेशन, इन सब के साथ डील करने के लिए. नंबर ऑफ डिविजन्स हैज़ वेरीड ओवर टाइम. सो ऐसे जो ये जो डिविजन्स है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, ये डिविजन्स जो है चेंज होती रहती हैं ओवर टाइम. ऐसा नहीं है कि हर बार सेम रहती है, नीड के अकॉर्डिंग इनको चेंज कर दिया जाता है. विद द रीजन्स और इश्यूज राइजिंग टू द फोरफ्रंट न्यू डिविजन्स कैन एंड हैव बीन क्रिएटेड. इन एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल रीच आउट टू आउटसाइड एक्सपर्ट्स डिपेंडिंग ऑन नीड. जब कभी ज़रूरत होती है सो बाहर से भी एक्सपर्टीज ली जाती है, जो बाहर के एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी कई बार इन्वॉल्व किया जाता है. ओवरऑल देयर कंटिन्यूज टू बी वेरी लिमिटेड लेटरल एंट्री इन टू द मिनिस्ट्री. सो अभी जो लेटरल एंट्री के थ्रू जो है बाहर से प्राइवेट लोगों को लाया जाता है, लेटरल एंट्री का अभी भी कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है. सो उसके थ्रू लिमिटेड वे में ही लाया जाता है, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे. बट दोज एंट्रिंग इंडियन फॉरन सर्विसेज इंक्लूड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इंडिविजुअल्स विद मैनेजमेंट डिग्री. तो ये तो इंडियन फॉरन सर्विसेज से आते हैं. सो इंडियन फॉरन सर्विसेज से जो ऑफिशियल्स होते हैं उन्हीं को यहाँ पे लाया जाता है, वही यहाँ पे इसी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को हेड करते हैं. इसमें जितने भी डिविजन्स होते हैं उसके हेड जो होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरीज वगैरह, वो सब इंडियन फॉरन सर्विसेज के ऑफिशियल्स ही होते हैं. सो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है. ये टॉपिक क्वाइट बोरिंग है क्योंकि इसमें जो है थोड़ा स्टैटिक चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस का पार्ट है, सो हमें पढ़ना पड़ेगा. कोई भी जो, मेरा एम ये है कि हम सिलेबस का एक एक टॉपिक कर लें ताकि कहीं से भी पेपर आए, कहीं से भी आप लोगों को कभी भी दिक्कत ना हो कि हाँ कुछ टॉपिक हमने छोड़ दिया है. हम कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, आपको सब कुछ कवर कराएंगे. सो चाहे कोई टॉपिक बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है, सारे टॉपिक्स को हमने कवर करना है. कई बार हम क्या होता है अपना माइंडसेट बना लेते हैं, हम सब बना लेते हैं, मैं खुद बना लेती हूँ, कुछ टॉपिक्स बोरिंग लगते हैं, कुछ टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, लेकिन बोरिंग और इंटरेस्टिंग यहाँ पे कुछ नहीं है. जो एग्जाम की नीड है हमें सब कुछ कवर करना पड़ेगा. सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. टिल देन बाय, टेक केयर.